नाज़रीन, रशिया के सदर बहुत ही अजीब से नाम के साथ पुतिन ने कहा है कि पाकिस्तान पाकिस्तानियों के लिए कब्रिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तानी जब पाकिस्तान से पैसा कमा लेते हैं तो बाहर चले जाते हैं, और बाहर मुल्क में जाने के बाद अपने बच्चों को भी बाहर पढ़ाते हैं, अपना कारोबार भी बाहर स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो है वो अपना पैसे भी रखते हैं। तो ये सब जब वो मरने वाले होते हैं तो मरने के बाद उनकी बॉडी को पाकिस्तान भेजा जाता है सिर्फ दफन करने के लिए। इसलिए उनका कहना है कि पाकिस्तान पाकिस्तानियों के लिए कब्रिस्तान है, लेकिन मैं उन्हें गलत साबित करने लगा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। यो मैन, व्हाट्स अप, आपको बताते हैं हम क्या है वहां पर, तो ठंडी ठंड है, यहाँ गर्म पानी के लिए आपने जो है वो जंग की थी अफगानिस्तान से। हमारे पास कारोबार बेतहाशा है, और पाकिस्तान के चार अहम कारोबार हम आपको बताने लगे हैं, प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट स्कूल, ब्यूटी पार्लर और पॉलिटिक्स। इन चारों में जितना पैसा है जितनी कमाई है, मैं प्यूटन को कहता हूँ प्यूटन इन्वेस्ट कर, तीन स्कूल खोलते हैं प्यूटन के नाम से, लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे कहते हैं प्यूटन ग्रामर स्कूल। अजीब सा लगता है, लगता है कोई मुर्गी ने कोई किसी नस्ली मुर्गी की कोई बीमारी है, बर्ड फ्लू टाइप की कोई चीज़ लगती है। हम खैर कोई बात नहीं, हम अस्पताल बनाते हैं प्यूटन के नाम से, प्यूटन मेडिकेयर हॉस्पिटल, ये भी कुछ अजीब सा ही लगता है, बड़ी बीमारी का अस्पताल लग रहा है। बहरहाल प्यूटन साहब, आप रशिया संभालें, सोवियत यूनियन का जो हाल हुआ है अब सिर्फ रशिया रह गया, उसको संभाल लें, ऐसा ना हो तो कुछ भी गायब ही हो जाए, गड़बड़ हो जाए। समझ तो गया होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।